हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके पास। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कितनी रेंज तक हमारा सेट पॉइंट हो सकता है और जितनी भी सेफ्टियाँ हैं उनके कट पॉइंट या सेट पॉइंट कितने होते हैं। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने पूरा एक एक्सेल सीट टाइप की बनाई हुई है और जिसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे पैरामीटर्स एकदम सडनली कोई भी याद नहीं रख सकता, रट के नहीं रखता। जो प्लांट का ऑपरेटर है मे बी उसको याद हो जाते हैं और वो याद रखता है, या इंजीनियर है जिससे उसको रिलेटेड हैं, जैसे सेट पॉइंट है, परसेंटेज लोड है और वोल्टेज है, या एंटी फ्रीज कितने साइड है, वो सब हम याद रख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि जितनी भी हमारी सेफ्टी चिलर प्लांट में होती है उस सेफ्टी के पैरामीटर्स कितने होने चाहिए और कितने पे हमारे प्लांट सेट है वो हमें पता होना चाहिए। और वो हमें पता होता है तो इंटरव्यू में नॉर्मली जो आपसे पूछी जाती है कि भाई क्या क्या सेफ्टी होती है प्लांट में और उस सेफ्टी पे कितने पे सेट होती है ये सेफ्टी, तो वो वहाँ हमें बतानी पड़ जाती है इंटरव्यू के हिसाब से। तो उस हिसाब से मैं आज ये बात करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले यहाँ तीन चार पार्ट्स में ये लिखा हुआ है। ये आप बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड में आप देखेंगे तो फर्स्ट पे मैंने लिखा हुआ चिलर सेफ्टी, सेकंड पे लिखा हुआ चिल्ड वाटर, थर्ड पे लिखा हुआ इवेपोरेटर और चार पे लिखा हुआ कंडेंसर। फ्रेंड्स, चिलर प्लांट में तीन चार चीज़ें मेन होती हैं, कंप्रेसर, इवेपोरेटर, कंडेंसर, ये तीन चीज़ों के साथ, और चौथा होता है कूलिंग टावर। लेकिन कूलिंग टावर अलग होता है, तो हम उसकी सेफ्टी और उसकी सारी चीज़ें हम अलग बात कर चुके हैं ऑलरेडी कुछ वीडियो में। अगर आपको कूलिंग टावर से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछनी है या कुछ चीज़ें जाननी है तो आप मेरी उन वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ मैंने अलग अलग कर दिया है, सेफ्टी सारी अलग लिख दी है। सेफ्टी इवेपोरेटर पर भी हो सकती है और लाइन में भी हो सकती है और कंडेंसर की लाइन में भी हो सकती है, तो वो अलग अलग हो सकती है। चिल्ड वाटर अगर हमारा चल रहा है तो उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं, इवेपोरेटर पर हम क्या चेक करते हैं और कंडेंसर पर हम चेक कर सकते हैं, वो हमने अलग लिखा हुआ। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी। फ्रेंड्स देखिए, चिल्ड वाटर जो भी हमारा चिलर प्लांट होता है, चिलर प्लांट में कितनी सेफ्टी होती है, मैकेनिकल सेफ्टी की बात करता हूँ एज वेल एज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। सबसे पहले होता है हाई प्रेशर या हाई हेड प्रेशर भी इसको हम बोलते हैं, इसको हम PSI में सेट करते हैं। दूसरा होता है लो प्रेशर, तीसरा होता है वाटर फ्लो स्विच, और ये चौथा होता है एंटी फ्रीज, पांचवा होता है डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर, छठा होता है PRV, वोल्टेज और एम्पियर। यानी ये 7-8 सेफ्टी होती हैं जिससे हमारा प्लांट को सेफली मूव किया जा सकता है, जिससे हमारे प्लांट में कोई वियर एंड टियर या कोई नुकसान ना हो, उसके लिए सारी सेफ्टी चला जाती है जिससे हम हैसल फ्री अपने प्लांट को चला सकें। सबसे पहले बात करते हैं हाई प्रेशर। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ जो ये सेफ्टी लिखी है ये R134A रेफ्रिजरेंट के हिसाब से लिखी है, इसके लिए कितनी होनी चाहिए और क्या इसको करते हैं हम, प्रैक्टिकली क्या होती है, थ्योरेटिकली क्या होनी चाहिए। देखिए, हाई प्रेशर जो इसका रहता है R134A के लिए, गैस के लिए, तो वो 150 पे सेट होता है हाई प्रेशर। यानी 150 पे जाके हमारा प्लांट ट्रिप हो जाना चाहिए, कंप्रेसर हमारा काम करना बंद कर देना चाहिए। यदि हमारे जो कंप्रेसर के आउटपुट में हाई प्रेशर सेफ्टी लगी रहती है, अगर उसका प्रेशर 150 PSI जाता है तो वो ट्रिप कर देगा। दूसरी होती है लो प्रेशर। फ्रेंड्स, ये सेफ्टी कहाँ लगी हुई होती है ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसको रेफर कर सकते हैं। लो प्रेशर होता है फ्रेंड्स 32 से 35 के बीच सेट होता है। यानी अगर 32 PSI है प्रेशर, 32 से 35, तो फ्रेंड्स जो हमारा लो प्रेशर होता है, जरूरी नहीं है हमारा प्लांट जो एक्चुअल प्रैक्टिकली है वो 32 पे ट्रिप हो, वो फ्रेंड्स 25 भी सेट हो सकता है, 27 भी सेट हो सकता है, 28 भी सेट हो सकता है, वो मशीन में क्या सेटिंग की हुई है उसके हिसाब से होता है। होता क्या है, जो हमारा लो प्रेशर होता है ये 32 PSI है, 32 PSI, तो 32 PSI का क्या मतलब है कि फ्रेंड हमारा जो लो प्रेशर है इससे 32 से 35 के बीच में यदि 7 डिग्री सेंटीग्रेड का चिल्ड वाटर लेना है तो उसके हिसाब से इतना लो प्रेशर होना चाहिए 32 से 35। लेकिन हमारा उसमें जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि 32 ही सेट हो, प्रैक्टिकली कम भी हो सकता है प्लांट में, थ्योरेटिकली जो स्टैंडर्ड है वो 32 से 35 के बीच में, मींस कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लांट ट्रिप कर जाना चाहिए, 32 से 35 के बीच में सेट कर सकते हैं, 33, 34, 35 कुछ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके प्लांट में जरूरी नहीं है 32 सेट हो, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो वो लोग 32 PSI पे सेट नहीं करते, उससे लो पे करते हैं, 27 पे कर देते हैं, 28 पे कर देते हैं, 30 पे कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर फ्लो स्विच। फ्रेंड्स,
वैसे तो वाटर फ्लो स्विच की जो सेट वो होता है, ये वाटर फ्लो स्विच लगे हुए होते हैं, आपको पता है कि जो कंडेंसर लाइन होती है उसमें जो कूलिंग टावर से आने वाला पानी लगाता है उसकी आउटलाइन पे लगा होता है, और जो चिल्ड वाटर होता है चिल्ड वाटर की आउटलाइन पे भी लगा हुआ होता है वाटर फ्लो स्विच। तो वाटर फ्लो स्विच का क्या काम है कि अगर हमारा 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से प्रेशर कम हो जाए, या जो हमारा फ्लो चल रहा है फ्लो का प्रेशर, यानी चिल्ड वाटर का फ्लो का प्रेशर, या कंडेंसर में जो कूलिंग टावर से आने वाला पानी है उसका फ्लो का प्रेशर अगर 1 kg से कम हो जाए तो वो प्लांट को ट्रिप करा देगा। मींस ये इसलिए सेफ्टी होती है कि फ्रेंड्स वाटर फ्लो स्विच अगर किसी वजह से हमारा प्राइमरी पंप या कंडेंसर पंप बंद हो जाता है तो हमारा फ्लो बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्राइमरी पंप बंद हो जाएगा तो जो हमारा जो इवेपोरेटर के अंदर पानी चल रहा था वो पानी मूव करना बंद कर जाएगा, और पानी जब चिल्ड वाटर मूव करना बंद करता है चिल्ड वाटर वहाँ जमने के चांसेस हो जाते हैं और हमारी एंटी फ्रीज एक्टिवेट हो जाएगी। उस कारण को, उस चीज़ को बचाने के लिए हम इसमें उसका जो फ्लो का स्विच, फ्लो का प्रेशर है वो 1 kg से लेस देन 1 kg पर ट्रिप हो जाता है और 1 kg से ऊपर रखते हैं। और फ्रेंड ये अच्छा कितने तक होता है, ये 1 kg से 2 kg के बीच चलना चाहिए। कितना? 1 kg टू 2 kg, यानी 2.5 kg तक अगर जाता है तो ठीक है, अगर 2.5 kg से ऊपर जा रहा है तो हमारी एफिशिएंसी प्लांट की कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां लिखा हुआ रेफ्रिजरेंट का 0 और चिल्ड वाटर का 4 से 7, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है फ्रेंड्स, ये यूनिट लिखी हुई है। डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है, अगर हमारी जो एंटी फ्रीज सेफ्टी है वो रेफ्रिजरेंट यानी इवेपोरेटर के सेल में रेफ्रिजरेंट चल रहा है और इवेपोरेटर पर लगी हुई है तो उसकी सेटिंग 0 degree पे होती है, या 32 Fahrenheit बोलते हैं उसको। ठीक है, चिल्ड वाटर की बात करूं तो चिल्ड वाटर 4 से 7 degree centigrade पे सेट होता है, 4 से 7 degree centigrade तक एंटी फ्रीज की सेटिंग होती है अगर चिल्ड वाटर की लाइन पे लगी हुई है तो। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर। डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर को लुब्रिकेशन करने के लिए ऑयल प्रेशर चलता है, तो ऑयल प्रेशर हम डिफरेंशियल इसको इसलिए बोलते हैं कि जो ऑयल पंप होता है पंप के आउटपुट पे जो जितना प्रेशर रहता है और जो उसमें कंप्रेसर में बियरिंग चल रहे हैं उसके सेल में जो प्रेशर होता है उन दोनों के बीच का प्रेशर जो होता है उसको डिफरेंशियल प्रेशर कहते हैं। वो कितना होना चाहिए, वो 30 से 40 के बीच होना चाहिए, 30 से कम नहीं जाना चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेट पॉइंट होगा, 30 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, इतना PSI होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सेकेंड थिंग नेक्स्ट है PRV प्रेशर रिलीज वाल्व। ठीक है, ये प्रेशर रिलीज वाल्व कंप्रेसर के आउटपुट पे लगा रहता है। फ्रेंड्स अगर किसी वजह से हाई प्रेशर सेफ्टी 150 PSI जो चल रही है, अगर 150 पे ये काम करना बंद कर देती है या ख़राब हो जाती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स तो उसमें PRV लगी रहती है। PRV 180 PSI जैसे ही जाएगा, 180 PSI के ऊपर का प्रेशर जो है वो प्रेशर रिलीज कर देगा। ठीक है, तो वो हमारा प्लांट फटने से बच जाएगा, सेटिंग होती है उसकी 180 पे। नेक्स्ट है वोल्टेज। वोल्टेज की भी फ्रेंड्स ये तो थी इसकी मैकेनिकल सेफ्टी कंप्रेसर को बचाने के लिए, लेकिन कंप्रेसर को बचाने के लिए वोल्टेज की भी तो है। यदि देखिए मैं यहाँ जो वोल्टेज की रेंज है वो 380 से 440 है, अगर ये 280 है और फिर भी वो वोल्टेज पे चलता रहा तो फ्रेंड्स मोटर जल जाएगी, कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारा प्लांट तो बंद हो जाएगा ना। तो प्लांट की सेफ्टी में ये वोल्टेज और एम्पियर यानी करंट, जो भी करंट हमारा उसका मोटर का है उसका 70% तक जाना चाहिए। अगर 70% से एक्सीड हो रहा है तो हमारा प्लांट ओवरलोड चल रहा है, हमारे प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी सेटिंग भी उसमें होती है। फ्रेंड्स ये सारी सेफ्टी है। अच्छा, इन सेफ्टी में क्या है, R134a गैस के लिए, ये किसी भी कंपनी का प्लांट हो, चाहे यॉर्क का हो, चाहे जॉनसन का हो, और चाहे ब्लू स्टार का हो, या किसी का भी हो, तो उनमें क्या है, एक डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर को छोड़ के बाकी सारी सेटिंग लगभग सेम रहती है। प्रैक्टिकली वो एक दो का डिफरेंस कर लेते हैं, बाकी सारी सेटिंग सेम रहती है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल डिफरेंशियल ऑयल है, ये ऑयल की जो लाइन होती है वो उसको चेंज कर सकते हैं, उसका प्रेशर भी कम कर सकते हैं, प्रेशर ज़्यादा भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूज़ या जैसी उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर R134 से रेफ्रिजरेंट है तो ना तो वो हाई प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, लो प्रेशर को भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस गैस का या इस रेफ्रिजरेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। सिर्फ डिज़ाइन पार्ट में कोई भी कंपनी डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर को चेंज कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं कि ये तो हो गई सेट पॉइंट, ये तो फिक्स है हमारे जो कंपनी के सेफ प्लांट को बचाने के लिए सेफ्टी फिक्स की जाती है, पैरामीटर्स हैं सेफ्टी के। उसके बाद और उसमें क्या क्या चीज़ देखी जाती है, आइए देखते हैं। अगर मैं चिल्ड वाटर की बात करूं तो फ्रेंड चिल्ड वाटर में 3 चीज़ें देखी जाती हैं, चिल्ड वाटर सेट पॉइंट, हमने चिल्ड वाटर हमें कितना देना है तो उसका सेट पॉइंट, मान लीजिए मैंने फॉरेनहाइट में लिखा है तो फॉरेनहाइट में 44 से 70 या 44 से 70 के बीच में सेट कर सकते हैं हम एज पर रिक्वायर्ड। यदि सर्दियों का मौसम है
तो 60 भी कर सकते हैं, 65 भी कर सकते हैं, 45 भी कर सकते हैं, तो जितनी हमें ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ फ्रेंड सेट पॉइंट, इस सेट पॉइंट के साथ साथ हम लोड भी सेट करते हैं कि 70% लोड चल रहा है, 80% लोड चल रहा है, हमें कितने परसेंट लोड पे कंप्रेसर चलाना है। मान लीजिए हमने सेट कर दिया 44, तो 44 सेट पॉइंट कर दिया, अगर हमारा 44 आ जाता है तो हमारा प्लांट शटडाउन हो जाएगा। और दूसरी चीज़, हम कंप्रेसर का लोड सेट कर देते हैं 70% लोड पे चलेगा, तो 70% तक लोड तक ही वो चलेगा, 70% से ऊपर लोड नहीं चलेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें सेट होती हैं जो ऑपरेटर हमारा सेट कर देता है। तीसरा होता है चिल्ड वाटर रिटर्न या इन इवेपोरेटर, जो इवेपोरेटर में इन जाएगा उसका टेम्परेचर हम चेक कर सकते हैं चिल्ड वाटर का, या चिल्ड वाटर रिटर्न कह सकते हो आप इसको। ठीक है, जो हमारा ऊपर AHU से जो पानी आता है उसकी बात कर रहा हूँ, जो इवेपोरेटर में जाएगा। ठीक है, रिटर्न वाटर भी बोलते हैं इसको। ये 46 से 70 के बीच में आता है, ये पैरामीटर्स हैं। जब हमारा प्लांट चलता है तो 46 से अगर 70 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स हमारे मशीन ठीक चल रही है, हमारा प्लांट ठीक चल रहा है, तो श्योर करने के लिए है, इसकी रेंज है। चिल्ड वाटर लीविंग यानी चिल्ड वाटर जो हमारे यहाँ से आउट हो रहा है वो 42 से 70, क्योंकि हमने 44 मिनिमम कर रखा है इसका सेट पॉइंट, तो 42 से 70 होता है। इसमें भी डिफरेंस होता है, अगर हम 44 सेट पॉइंट करते हैं तो फ्रेंड हमारा जो शटडाउन है 3 से 4 डिग्री का डिफरेंस रखते हैं हम, अगर मान लीजिए 44 है तो 41-42 पे आके हमारा प्लांट शटडाउन हो जाएगा। तो 42 से 70 के बीच में ही ये टेम्परेचर जाएगा, इससे ज़्यादा या कम ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है इवेपोरेटर। फ्रेंड इवेपोरेटर में हम क्या क्या चीज़ चेक करते हैं, एक तो प्रेशर, इवेपोरेटर प्रेशर क्या हो या लो प्रेशर, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ मैंने 32 से 35 लिखा है, यहाँ प्रेशर जो है मैंने 32 से 77 लिखा है। यहाँ फिर लो प्रेशर सेफ्टी सेट है फ्रेंड, ये सेट पॉइंट है, लेकिन यहाँ हम जो इवेपोरेटर का प्रेशर चेक कर रखें कर सकते हैं कि 32 से 77 के बीच में जा सकता है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 32 से 77 चल सकता है, लेकिन हमारा सेट पॉइंट जो है 32 पे या इससे कम होता है लो प्रेशर का, जिस पे जाके वो ट्रिप कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सैचुरेशन या रेफरेंट टेम्परेचर। इवेपोरेटर में सैचुरेशन टेम्परेचर या रेफरेंट टेम्परेचर चेक करते हैं, और उसकी लिमिट जो है फारेनहाइट में 36 से 74 के बीच में चलती है। फ्रेंड सैचुरेशन टेम्परेचर वो होता है इवेपोरेटर में, वो होता है जब लिक्विड जो चिल रेफरेंट का लिक्विड चलता है, और लिक्विड से वो जब वेपर फॉर्म में बदलना शुरू होता है, तो वो टेम्परेचर 36 से 74 के बीच में हो सकता है। ठीक है, और वो भी अब 36 से 74 के बीच में चल रहा है उसका टेम्परेचर, तो मीन्स हमारा प्लांट सही है। ये सारे पैरामीटर्स जो है हमें डिस्प्ले पे देखने को मिलेंगे, जिससे हम ये पता कर लेते हैं कि हमारा सही चल रहा है। अगर हमने ये रेंज अपने प्लांट के बगल में लगा रखी है और हम जब लॉग बुक भरते हैं तो उसमें हम ध्यान दे रहे हैं कि अब मान लीजिए हम प्रेशर चेक कर रखे हैं और प्रेशर गया 30, तो दैट मीन्स हमारा प्लांट में ठीक नहीं चल रहा। सेटिंग तो हमने 25 कर रखी है, मान लीजिए ट्रिप हमारा 25 पे जाके होगा, लेकिन प्रेशर तो डाउन जा रहा है, दैट मीन्स उसमें गैस कम है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हम चेक कर लेते हैं, इसी भी हाफ से हमें पता चलता है। नेक्स्ट चीज़ है अप्रोच, अप्रोच इवेपोरेटर की अप्रोच, या इसको इवेपोरेटर स्मॉल टेम्परेचर भी आपने किसी किसी प्लांट में लिखा हुआ देखा होगा, तो दोनों में एक ही है। फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे यूनिट इसलिए नहीं लिखी है कि अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में चेक कर रहे हो तो डिग्री सी होगा, फारेनहाइट में चेक कर रहे हो तो फारेनहाइट होगा, ये फारेनहाइट भी हो सकता है और डिग्री सी भी हो सकता है। तो ये 1 से 5 के बीच में रेंज होती है इसकी, 1 से 5 के बीच में सही है। अगर 1, 2, 3, 4 तक चल रहा है इवेपोरेटर का अप्रोच तो हमारा प्लांट ठीक चल रहा है, अगर 5 जा रहा है तो दैट मीन्स हमें इवेपोरेटर में कुछ प्रॉब्लम है, गैस कम है, जो भी है उसकी अप्रोच जो है हमारी खराब हो रही है, तो उसके हिसाब से जो भी फॉल्ट होंगे वो हम रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, अब करते हैं फ्रेंड्स कंडेंसर की बात। कंडेंसर में क्या क्या चेक करते हैं, देखिए कंडेंसर का प्रेशर, कंडेंसर का प्रेशर का मतलब हो गया कंप्रेसर का आउट प्रेशर, तो कंडेंसर का प्रेशर भी चेक करते हैं और वो 70 से 150 के बीच होना चाहिए, तो मीन्स ये हाई प्रेशर भी है। अब लो प्रेशर तो 70 चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 70 से अगर कम चल रहा है, 70 से कम चल रहा है कंप्रेसर का, तो सक्शन प्रेशर और कम हो गया, दैट मीन्स उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम वो चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, हमें पता चल जाएगा। हमारी जो रेंज है प्रेशर की वो 72-150 चलनी चाहिए कंडेंसर की। ठीक है, और 150 क्या है, ये आप 150 यहाँ भी देख रहे हो, और फ्रेंड्स ये हाई प्रेशर में भी आप 150 देख रहे हो, मीन्स 150 से ऊपर नहीं जा सकता, ट्रिप हो जाएगा प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है कंडेंसर सैचुरेशन टेम्परेचर। कंडेंसर सैचुरेशन टेम्परेचर में क्या है, कंडेंसर में हमारा जो रेफ्रिजरेंट रहता है वो वेपर फॉर्म से, या जो हमारा उसका गैस फॉर्म होती है वेपर फॉर्म से, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। जैसे ही वो वेपर से लिक्विड में चेंज होना शुरू होता है, वो 72 डिग्री फारेनहाइट से 112 डिग्री फारेनहाइट तक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, ऐसा नहीं होता कि 72 डिग्री पे एग्जैक्ट एकदम सारा चेंज हो जाएगा, नहीं, 72 से 112 के बीच तक वो लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये रेंज होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है इसकी अप्रोच, कंडेंसर की अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम ये टेम्परेचर इसका डिग्री फारेनहाइट में देख रहे हैं तो उसकी अप्रोच 1 से 10, कंडेंसर की अप्रोच
ज़्यादा होती है। और हमेशा जब कभी भी हम प्लांट की अप्रोच पूछते हैं तो हम इवेपोरेटर की अप्रोच ही बताते हैं कि लेस देन 4 चलनी चाहिए, लेस देन 4 होनी चाहिए, या 1 से 5 के बीच में होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, इसको हम ज़्यादा बताते हैं। लेकिन कंडेंसर की जो अप्रोच है फ्रेंड, वो 1 से 10 के बीच में होती है। अगर 6, 7, 8 चल रही है तो दैट मीन्स ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स सुपर हीट। एक होता है सुपर हीट। अब सुपर हीट क्या होता है फ्रेंड्स, आपको मैं एकदम अगर आम भाषा में बताऊं तो जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व लगा रहता है, थर्मल एक्सपेंशन वाल्व, तो थर्मल एक्सपेंशन वाल्व के पहले और बाद दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आप जैसे समझ लें, लेकिन मेनली जो होता है वो इन और आउट का मोटर, अगर आपको कहीं भी पता चलता है सुपर हीट कितनी चल रही है तो एक्सपेंशन वाल्व के बाद का टेम्परेचर देख लीजिए और एक्सपेंशन वाल्व के पहले का टेम्परेचर देख लीजिए। मींस कहने का ये हुआ कि इवेपोरेटर का सक्शन प्रेशर देख लीजिए, सक्शन टेम्परेचर देख लीजिए रेफ्रिजरेंट का, और कंडेंसर जो लगा है, कंडेंसर के बाद जो रेफ्रिजरेंट निकल रहा है उसका टेम्परेचर देख लीजिए। उन दोनों में जितना डिफरेंस होगा वो सुपर हीट कहलाएगी। और सुपर हीट की रेंज फ्रेंड फारेनहाइट की मैं बात करूँ तो 12 से 20 के बीच होनी चाहिए। अगर 12 से 20 के बीच फारेनहाइट की, 12 से 20 या 12 से 20 फारेनहाइट के बीच सुपर हीट चल रही है, दैट मीन्स हमारा प्लांट ओके चल रहा है। फ्रेंड्स मैं इसके साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए होता क्या है, जो हमारा वाटर फ्लो चलता है ये मैंने बताया 1 से 2 के जी के बीच में सही चलता है। मान लीजिए हमारा चिल्ड वाटर 5 के जी चला जाता है, 6 के जी चला जाता है, तो उससे होता क्या है कि चिल्ड वाटर इवेपोरेटर में उतने टाइम नहीं रुकेगा जितने टाइम रुकना चाहिए। अब वो बहुत तेज़ी से अंदर जा रहा है, प्रेशर उसका ज़्यादा है, दैट मीन्स वो अगर 5 सेकेंड रुकना चाहिए किसी ट्यूब में तो वो केवल 1 सेकेंड रुक रहा है, और जब वो 1 सेकेंड रुक रहा है तो वो उतना ठंडा नहीं हो पाएगा जितना ठंडा होना चाहिए। तो उस चिल्ड वाटर का टेम्परेचर बहुत देर में आएगा और वो चिल्ड वाटर यानी प्लांट की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए 1 से 2 केजी के प्रेशर पर ही हमें प्लांट को चलाना चाहिए अगर हमें अच्छी एफिशिएंसी पानी है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अगर समझ में नहीं आई होंगी तो मेरे को कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लें, सो दैट आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।